वेलकम बैक भाई, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और मैं हूँ अभी सोमनाथ में, जा रहा हूँ त्रिवेणी संगम देखने। कपिला हिरण और सरस्वती माता का संगम, नदी का संगम होता है उसको यहाँ पे त्रिवेणी संगम बोलते हैं, और मैं अभी उसी को देखने जा रहा हूँ। साथ ही एक ऐसी लोकेशन भी है यहाँ पे जो शायद भाई हिला के रख देगी, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि भाई साहब द्वारिका डूबने का जो कारण बनी थी उसका रहस्य भी यहीं पे है। तो मैं अभी उस जगह भी जाऊँगा, उसके बाद आपको बताऊंगा त्रिवेणी संगम पहुंचने बाद। तो चलो भाई चलते हैं। राधे राधे। तो भैया वहाँ पे है सोमनाथ जी हमारे, और यहाँ से मैं निकलना अभी त्रिवेणी संगम देखने के लिए, और वो बड़ी स्पेशल लोकेशन है वो देखने के लिए। तो जो समुद्री इलाका होता है ना वैसा वो बड़ा मस्त होता है, थोड़ी गर्मी सर्दी वगैरह यहाँ पे मतलब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है ना वो बड़ा बेहतरीन होता है, चारों तरफ से खुली हवा है, खुला मौसम, एक अलग ही वाइब आती है भाई, एक मज़ा अलग ही मज़ा आता है ट्रैवलिंग का ना, एक अलग ही मज़ा है। एक बार करके देखो, एक मंदिर उधर है वो। राधे राधे। चलो भैया भैया वो देखो समंदर का बीच, हमको चलना है भैया त्रिवेणी घाट। मेरे को समंदर पे नहाते नहाते मेरा मन बदल गया भाई, बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा नहा लिया समंदर में डूब डूब के, अभी इच्छा नहीं नहाने की। बहुत तो भैया पहुँच गया हूँ महासंगम पे, इसको बोलते त्रिवेणी महासंगम। इसका एंट्रांस जो गेट है बड़ा मस्त लगा हुआ है मेरे को, मतलब मस्त बना रखा है एकदम बढ़िया, टूरिस्ट के लिए देखने लायक सुपर एकदम। देखो चलो एंट्री करवाते हैं आपको। भाई इसमें भूल गया हूँ, नहीं आ गया भाई, आ गया इस गेट में भाई, मैं कभी भी फंस जाता हूँ यार। लो भाई आ गया संगम पे, महासंगम भाई महासंगम। यहाँ पे जो नदियाँ मिलती है और फिर जाके समंदर में विलीन हो जाती है। हेलो भैया, महासंगम भी देख लिया, इतना खास यहाँ पे हुआ नहीं सके। नदियों का मिलाप होता है समंदर में जाके, नदियाँ विलीन हो जाती है, इसमें मछलियाँ भाई, मेरे को मज़ा आया। बस मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ एक अलग ही एंजॉयमेंट में। गाना सुनो। तो भैया संगम कंप्लीट, संगम भी देख लिया हमने, ठीक है। तो अब मैं निकल रहा हूँ एक उस लोकेशन पे जो बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से समझ लो बहुत बड़ी चीज़ है वो। द्वारका का अंत का इसका जो रहस्य है वो वहीं पे है। रहस्य क्या है आपको पता होगा कि जब श्री कृष्ण जी वैकुंठ धाम गए थे तो उसका एक रीज़न था कि उनकी जो उन्होंने देह ताकत था वो क्यों ताकत है ना वो सब। तो जब पिछड़ा द्वापर युग या फिर त्रेता युग, द्वापर युग जो भी है, मेरे को ये कौन सा कंथ में मैं मेन टाइम पे भूल जाता हूँ भाई सब चीज़ें ना, मेरे को याद है पर मेन टाइम भूल जाता हूँ। जब बाली सुग्रीव को धनुष लगा था अगर वो चीज़ आपको याद हो तो, ठीक है। रामायण की बात और यहाँ पे आ गई, जब बाली सुग्रीव को श्री राम जी ने छुपकर धनुष मारा था तो वो जो चीज़ है उसका यहाँ पे रिवेंज हुआ था, रिवेंज। और जो श्री कृष्ण को धनुष लगा था उनके अंगूठे में इनके वैसे उन्होंने देह त्यागा था, जो जब वैकुंठ धाम से ले गए थे शहीद त्याग के, उस लोकेशन में मैं निकल रहा हूँ अभी। जिसके बाद द्वारिका पानी में डूब गई थी पूरी तरह, और श्री कृष्ण देह त्याग के चले गए थे वैकुंठ धाम, श्री राधे और बलराम भी चले गए थे वैकुंठ धाम। मैं फिर उसी लोकेशन में जाऊँ जहाँ पर उन्होंने उन्हें तीर लगा था और उन्होंने देह त्याग किया था। चलो भैया चलते हैं, राधे राधे। तो भैया जा रहा हूँ भालका तीर्थ, और साथ में भाई मिलेगा मेरे को। तो भैया लो पहुँच गए मैं जिस लोकेशन के बारे मैंने आपको बताया था, उसको बोलते हैं भालका तीर्थ, और मैं भी उसी के सामने खड़ा हूँ। रहस्यमय लोकेशन है भाई, बड़ी बेहतरीन लोकेशन है ये देखो, बहुत बड़ा शिवलिंग एक ही। चलो चलते हैं अंदर दर्शन करने, फिर स्टेशन पहुँचना आज मैं।
तो भैया यही वो लोकेशन है जहाँ पे श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे और जब उनको धनुष लगा था, यही वो पेड़ है, देख रहे हो। कभी कोई जानता मतलब कलयुग में धरा पे ऐसी लोकेशन भी है जहाँ पे भाई साहब अनबिलीवेबल चीज़ें हुई है ना, और आज आप मंदिर बना दिया गया है, बहुत बढ़िया। ये देखो द्वारिका के डूबने का रीज़न भी यहीं पे भाई, इसी के बाद से वो द्वारिका जल मग्न हो गई थी बस, तब वो वैकुंठ धाम चले गए थे श्री कृष्ण हमारे। तो फाइनली भैया पहुंच गया हूँ लोकेशन पे जहाँ श्री कृष्ण जी को धनुष लगा था और वो वैकुंठ धाम के लिए गए थे। मैं पीछे लोकेशन, ये मंदिर वही है और ये पेड़ वही है जिसके नीचे वो बैठे हुए थे, जहाँ पे उनके तले में वो बाण लगा था, तब से उसने क्षमा होकर मांगी थी आगे कि मुझे क्षमा कर दो। तो वो कहा था कि जो कुछ होता है मेरी इच्छा से होता है, वो मैंने आपको पीछे दिखाया भी है, उसके बाद पढ़ लेना आराम से। तो भैया चलो दर्शन करते फटाफट। ये है भैया कुंड, अभी एक मंदिर बचा है वाला, इस पर चलते हैं भाई। ये है महादेव का मंदिर, अभी दर्शन किए हमने श्री कृष्ण जी के। सोच ये मतलब अपना घुटने पे पैर रखे लेटे हुए थे, बैठे हुए थे जब उनको तेल लगा था। अभी महादेव जी का मंदिर यहाँ पे, ये महाकाल। तो भैया यहाँ के भी दर्शन हो गए मुझे, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं यहाँ भी ये लोकेशन भी देखूँगा कभी। बस सोचता था क्या वो लोकेशन कहाँ पे होगी, कहाँ पे हुआ था, वो मैंने आज देख लिया है सब कुछ। और क्या भी लाइफ में वो क्या क्या देखना है मुझे नहीं पता, पर मज़ा आ रहा है भाई देखने में। आज कम्प्लीट हुआ, अब यहाँ से बढ़ते आगे भैया। तो चलो भाई, जय श्री राधे राधे राधे, जय महाकाल।